नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। तलिन नगर में इस समय कुछ स्वार्थी गैर काम करने वालों द्वारा पत्रकारिता को व्यापार का धंधा बना दिया है। पत्रकारिता की आड़ में कुछ महीने से वसूली कर रहे आज प्रातः प्याज के व्यापारी अब्दुल रशीद मंसूरी एवं अशोक लश्करी तलिन ने थाना तलिन टप्पा कार्यालय तलिन नगर परिषद तलिन में आवेदन देकर उल्लेख किया कि हम ग्राम अलूनी में प्याज खरीदने ट्रैक्टर से जा रहे थे, तभी नगर परिषद तलिन में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी राहुल डांगरा पिता उमेश डांगरा, उसका साथी मोहम्मद हुसैन पिता शब्बीर जो सट्टा का काम करता है, दोनों ने हमारा ट्रैक्टर रोका और कहा कि तुम लोग रेत लेने जा रहे हो, हमें रुपए दो, हम पत्रकार हैं, और झूमर झटके करने लग गए। तभी प्याज व्यापारी और उनके साथी गणों द्वारा दोनों को पकड़ लिया। दोनों छुड़ाकर भागने में अपने मोबाइल गिर गए। प्याज व्यापारी ने दोनों मोबाइल को थाने में जमा कर दिया। आवेदन में बताया कि दोनों आए दिन रुपए मांगते हैं, वसूली करते हैं। पहले भी राहुल डांगरा आवास योजना के नाम पर लोगों से रुपए लिए थे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। अपने स्वयं के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए वसूली करने के लिए पत्रकारिता कर रहा है, जबकि यहां नगर परिषद तलेन में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पद पर है, वहाँ काम नहीं करता है। खास बात तो यह है कि अवैध तरीके से इसने दो मकान ले लिए, जिसकी रिकवरी के आदेश भी निकल चुके, लेकिन अपना भ्रष्टाचार दबाने के लिए यहाँ पत्रकारिता कर रहा है। आवेदन में यह भी उल्लेख है कि राहुल डांगरा का कहना है कि तहसीलदार थाने में एसडीएम एसडीओपी सभी जगह हमारी मजबूत पकड़, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। उल्लेखनीय है कि आवास योजना में राहुल डांगरा द्वारा लोगों से रुपयों की वसूली की गई थी। स्वयं ने फर्जी तरीके से दो तीन मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में ले लिए, की रिकवरी के भी आदेश हुए थे, लेकिन उसको दबाने के लिए वसूली करने के लिए वर्तमान में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी होकर पत्रकारिता कर रहा है। रशीद मंसूरी है, मैं कृषक हूँ, संतरे का व्यापार करता हूँ। मेरे पास राहुल डांगरा पिता उमेश डांगरा, मोहम्मद हुसैन पिता सफीर खान, दोनों रात को गई रात को मेरे पास आए कि अगर आपको ट्रैक्टर चलाना है तो हमें 10,000 रुपये देना और 1,00,000 रुपये साल देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो मैंने जो कमेंट्स कर दिया है आपको, मैंने जो आपको कमेंट्स करा है यही रहेगा, नहीं तो मैं आपको कल देख लूँगा। कौन कौन आए थे आपके साथ? मेरे साथ राहुल डांगरा और मोहम्मद हुसैन, ये दोनों सवेरे 9:30 के करीब मेरा ट्रैक्टर और मेरा ड्राइवर मेरा ट्रैक्टर लेकर, मैं खुद स्वयं साथ था, मोहम्मद हुसैन और राहुल डांगरा ये दोनों मेरे। कौन से गाँव की बात है? ये अलूनी के पास की बात है। अच्छा, ये आए मेरे से पैसे की डिमांड करी इनने कि तुम रेत ही भरने अलूनी नाले में रेत भरने जा रहा हो। मैंने कहा मैं प्याज रईस भाई जो मेरा भाई है, मैं उनकी प्याज भरने जा रहा था। इसके बाद इनने मेरे से पैसे की डिमांड करी, मैंने पैसे नहीं देने, मेरे साथ इनने गाली गलौज करे। जब मेरे अम्माल और ये सारे मेरे साथ मेरे लोग आए तो ये अपना मोबाइल ये छोड़कर भाग गए। ठीक है, आपने रिपोर्ट डाली थाने में? हाँ, मैंने रिपोर्ट डाली थाने में। कहाँ कहाँ डाली? मैंने नगर पंचायत में डाली है। नगर पंचायत का देना, ये राहुल डांगरा नगर पंचायत का दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है जी। ये अपने आप में पत्रिका का पत्रकार भी बताता है कि मैं तुम्हारी ये खबर छाप दूँ। थाने में रिपोर्ट डाली आपने? थाने में रिपोर्ट डाली मैंने, सम्मान्य नायब तहसीलदार साहब को भी अवगत कराया, आवेदन दिया। अच्छा, मैंने माननीय सीएमओ साहब नगर पंचायत को भी मैंने एक आवेदन दिया है। इनपे कड़ी से कड़ी का, ये मोहम्मद हुसैन आदतन अपराधी है, सट्टे का कारोबार ये करता है मोहम्मद हुसैन। चाड़ीबाजी कर रहा है आपसे? हाँ, मुझसे पैसे मांग रहा है। तलेन से खबर समय जगत के लिए रईस मंसूरी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।